वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। कल मेरी फ्रेंड ने मुझे इंस्टाग्राम पे किसी की रील भेजी थी, तो वो एक्स वाई जेड पर्सन लॉजिक ढूंढ रहा था कि आखिर हम ऐसी जीन्सें क्यों पहनते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझने के लिए, इसके पीछे का लॉजिक समझने के लिए हमें जीन्स की हिस्ट्री सुननी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा हुआ था कि हम सबको लगता है कि ये जो लिवाइज है उसी ने जीन्स इन्वेंट करी, बट ये जो मैंने बोला कि लिवाइज ने इन्वेंट करी, ये गलत है। अब हुआ क्या था कि एक टेलर था जेकॉब डेविस करके, उनके पास एक औरत आती है, कहती है मेरा पति रोज़ अपनी पैंट फाड़ फाड़ के आ जाता है, कोई एक ऐसी पैंट बनाओ जो ना फटे। तो जेकॉब डेविस ने एक ऐसी पैंट बनाई जिसके ऊपर कॉपर के रिवेट लगे हुए थे, एंड उस चीज़ को देख के माइनर्स वर्कर्स ने उसको एक ट्रेंड बना दिया। ये जो पैंट्स थी वो थी जीन्स। तो उनके जो जेकॉब डेविस ने, फिर वो लिवाइज के फाउंडर के पास गए, उन्होंने कहा हेल्प मी टू गेट दिस पेटेंटेड। तो ऐसे जीन्स की शुरुआत हुई। बट ये 1800s की कहानी है। अब हम इससे पीछे जाएंगे तो आप सोच सकते हैं जीन्स कितनी ही पुरानी है और ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। 15th century स्विट्ज़रलैंड में जब वहाँ के सेना ड्यूक ऑफ बर्गेंडी को हराकर वापस आती है, तो उनके कपड़े फटे हुए होते हैं। अब उन फटे हुए टुकड़ों के साथ, फटे हुए कपड़ों के साथ वे लोग घर लौटते हैं, और घर लौटते हुए उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो फटे हुए कपड़े और दूसरे अच्छे वाले कपड़े जिनसे वो उनको ठीक कर सकते हैं, फैब्रिक पीसेस। इन फैब्रिक पीसेस से वो सोल्जर्स जो आए थे घर वापस, वो अपने फटे हुए कपड़ों को ठीक करते थे। ये ट्रेंड देख के वहाँ पे जो अमीर लोग थे, उन्होंने इसको बोला कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स अ न्यू फैशन। इस फैशन को अपनाया गया और इस फैशन का नाम हुआ स्लैशिंग। तो अब कटे पिटे हुए कपड़ों का ट्रेंड कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा, और जैसे जैसे जो रॉक स्टार्स हैं उन लोगों ने ये पहननी शुरू करी जीन्स, तो अब उनको देखा देखी, जैसे शोल्डर्स को देख के अमीर लोगों ने अपनाया, वैसे उन रॉक स्टार्स को देख के आम लोगों ने अपनाया। अब सोचने की बात यह है कि चलो लॉजिक तो समझ आ गया, बट ये फटी हुई जीन्स का ट्रेंड अभी भी कैसे चल रहा है इतने साल पुराना पीछे से। अब ये समझने के लिए थोड़ी और रिसर्च करना पड़ेगा, गूगल बाबा से पूछना पड़ेगा। बट कल मैं ऐसे ही, जब उसने मुझे ये रील भेजी ना, तो मैं सोच में पड़ गई कि आखिर उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। मैंने उस समय ये सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सोचा शायद कोई बंदा गिर गया होगा, घुटने से फट गई होगी, एक रीज़न वो हो सकता है। दूसरा रीज़न जो मैंने सोचा था वो ये था कि गर्मी का मौसम होगा, जीन्स में गर्मी लग रही होगी तो किसी ने फाड़ दी, हवा हवाई बन गई वो। अब बारिश आनी शुरू हो रही है, तो एक अंतिम मेरे अनुमान के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और अंतिम बार मैंने ये सोचा कि शायद किसी सांड वांड या किसी और चीज़ में वो अटक के, ऐसे सींग मार मुर के या कहीं अटक उटक के, किर कुर के वो फट गई होगी। आशा है आप सबको मेरा ब्लॉग का अंतिम वाला ये जो था लाइन आपको समझ आया होगा, ना भी आया कोई नहीं, हंस लीजिएगा। और यहीं आज ये ब्लॉग समाप्त होता है, बारिश अच्छी आने वाली है। बाय।